हेलो, मैं मरिंदर सिंह चंदोत आपके सामने फिर से आज अपनी कविता भगवान तेरा शुक्र है का तीसरा छंद लेकर हाजिर हुआ हूं। इसके पहले हम दो छंद ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और शायद उसको हम अपने जीवन में भी उतार रहे होंगे। तो क्या थे पहले दो छंद? पहले दो छंद थे, शुक्र है तेरा कि हम सुखी हैं, दुनिया में न जाने कितने दुखी हैं। शुक्र है तेरा कि हम सुखी हैं, दुनिया में न जाने कितने दुखी हैं। और दूसरा छंद था, शुक्र है तेरा कि अच्छी सोच है, दुनिया में न जाने कितनी लोच है। ये दो छंद हमने पिछले 2 दिनों में देखे। पहला दिन था 28 तारीख 28 सितंबर और दूसरा दिन था 30 सितंबर। ये 2 दिन में हमने ये दो छंद देखे। तो आइए आज तीसरा छंद हम डिस्कस करते हैं, हम आपस में शेयर करते हैं। तीसरा छंद है, शुक्र है तेरा रोटी के लिए, शुक्र है तेरा रोटी के लिए, ना जाने कितने तरसते हैं इसके लिए, ना जाने कितने तरसते हैं इसके लिए। कभी सोच के देखिएगा मित्रों, कभी इस बात पर विचार करिएगा, आज भी दुनिया की 70% जनता 2 टाइम का भोजन नहीं पा पाती है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको भरपूर भरपेट भोजन नहीं मिलता है, वे तरसते हैं, एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। हम अपने शहर में देख लें, जिस समय आप कुछ खा रहे होते हैं और आप वो दोना फेंक देते हैं, वो प्लेट फेंक देते हैं, तो कई बच्चे उस प्लेट को उठा के उसमें से खाने लग जाते हैं। कितना दारुण और कितना दयनीय दृश्य है। तो हमेशा हमें शुक्र मनाना चाहिए कि ईश्वर ने हमको रोटी दी है, ईश्वर ने हमको खाना दिया है, न जाने कितने तरसते हैं इसके लिए। तो दोस्तों, ये था तीसरा छंद। इसकी डिटेल में आप जाइएगा तो आपको इस छंद की महत्ता और समझ में आएगी। आप देखिएगा कि किस तरह से लोग एक एक रोटी के लिए परेशान होते हैं। ऐसे कई जगह हैं जहां हम लोग भी लायंस की तरफ से खाना बांटने जाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। ऐसी कई जगह हैं जहां पर हमने देखा है कि बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, उनको प्रॉपर ढंग से खाना नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये तीसरा छंद मैंने अपनी कविता का लिखा था कि शुक्र है तेरा रोटी के लिए, शुक्र है तेरा रोटी के लिए, न जाने कितने तरसते हैं इसके लिए, न जाने कितने तरसते हैं इसके लिए। तो ये तीसरा छंद, मैं आपको सामने फिर से दोनों छंद रिपीट करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा छंद है, शुक्र है तेरा कि हम सुखी हैं, शुक्र है तेरा कि हम सुखी हैं, दुनिया में न जाने कितने दुखी हैं, दुनिया में न जाने कितने दुखी हैं। शुक्र है तेरा कि अच्छी सोच है, शुक्र है तेरा कि अच्छी सोच है, दुनिया में न जाने कितनी लोच है, दुनिया में न जाने कितनी लोच है। और आज का छंद, शुक्र है तेरा रोटी के लिए, साफ बात किया है मैंने, शुक्र है तेरा रोटी के लिए, न जाने कितने तरसते हैं इसके लिए,
ना जाने कितने तरसते हैं इसके लिए। तो दोस्तों, एक एक छंद, एक एक शब्द हमें बहुत ही प्रेरणा देता है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब आप सुबह उठें तो अपने पलंग पे बैठकर अपनी आंखें बंद करके इस कविता की यदि आप दो लाइनें भी गा लेंगे, तो ये उस प्रकृति के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस देवनहार के प्रति आपका एक बहुत बड़ा एक ग्रेटिट्यूड होगा, आपका बहुत बड़ा एक एहसान होगा। हमेशा आप जब ये सोचें कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तब आप कभी ये सोचें कि मेरे पास क्या है। आज मेरे पास भरपेट भोजन है, आज मेरे पास सुख है, आज मेरे पास शांति है, आज मेरे पास भरपेट भोजन है। तो इन सब बातों को आप, अच्छा, इसके अलावा एक अनाउंसमेंट जो मुझे आज करना था, मैंने अभी उसको अपने कई फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है, वो ये है कि मेरी जो सिस्टमैटिक कंपनी है MS चंडोकर एसोसिएट्स, आज से अपना कार्य आरंभ कर रही है और आज से वो विधिवत अपना कार्य शुरू कर रही है। आप मुझे, आप किसी भी कांटेक्ट से जुड़ सकते हैं। मेरा जो चैनल है वो लॉन्च हो चुका है, मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है और मेरा ईमेल आईडी मैंने उस टेम्पलेट में दिया हुआ है, मैं अभी और फिर से भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच सोनू गांधी जी, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी पत्नी मंजी चंडोक ने नाइस लिखा है, बहुत अच्छी बात है, उनको अच्छा लगा ये। और हम सब मिलकर इन सब बातों पर बार बार विचार करेंगे और जो हमारे पास है उसके लिए ईश्वर को और धन्यवाद देंगे, हमेशा धन्यवाद देंगे, और अच्छे से अच्छा करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। कल तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।